चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना पर पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि डाउन लाइन पर जो डिब्बे पटरी से उतरे थे उन्हें हटा दिया गया है। बहाली का कार्य तेजी से चल रहा है। लगभग 800 से ज्यादा कर्मी वहां कार्य कर रहे हैं और कई मशीनें भी वहां कार्य कर रही हैं। अपलाइन पर जल्द ही ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। हम लगातार ट्रेनों का डायवर्जन भी कर रहे हैं। इनको डीजल फिट डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद से मैन पावर मशीनरी का मूवमेंट उसे शुरू हो पाया, जिससे डाउन लाइन का रिस्टोरेशन का कार्य शुरू किया गया। और सबसे पहले जो मशीनरी थी उसको एआरटी जो है रेलवे की जो ट्रेन होती है उसको ले जाकर जो डाउन लाइन पे जो कोचेस डिरेल थे उनको ऑफ ट्रैक किया गया और सभी कोचेस को ऑफ ट्रैक कर दिया गया है। रिस्टोरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और लगभग 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। 4 पोकलेन, 4 जेसीबी, हाइड्रा और ढेर सारी मशीनें वहाँ कार्य कर रही हैं। जो टीआरडी का कार्य होता है उसका कार्य किया जा रहा है। अब लाइन को बहुत जल्द फिट डिक्लेयर करके उस पर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। डाउन लाइन के लिए जो स्लीपर्स डैमेज थे, रेल की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें पहुंचाई गई हैं साइट पे और उसका रिस्टोरेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। आज हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 12 बजे तक टीआरडी फिट करके अब लाइन में नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू करेंगे और उसके बाद से जल्दी डाउन लाइन का भी रिस्टोरेशन कार्य पूरा करके संचालन शुरू किया जाएगा।